नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर सागर जिले की देवरी की है, जहां पर सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग होते देखा जा सकता है। अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। देवरी विकासखंड क्षेत्र में चल रहे शासकीय निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला देवरी नगर से लगी हुई ग्राम पंचायत झुनकू से सामने आया है, जहां पर मुस्लिम समुदाय की मांग पर क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव ने विधायक निधि से सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। इसका निर्माण कार्य आरईएस विभाग द्वारा ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है। इसमें ठेकेदार के द्वारा पेटी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार को काम दिया गया था। निर्माण कार्य में पेटी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा उक्त सामुदायिक भवन निर्माण में रेत की जगह डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है और घटिया क्वालिटी की ईंटों का उपयोग भी हो रहा है। एक वर्ष से कछुआ गति से चल रहे निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। अगर समय रहते इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया तो बिल्डिंग कितने दिन अपने वजूद में रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं।